हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डा विंची रिजॉल्व पे आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो आपने पूरी एडिटिंग वेडिटिंग कर ली है, तो आपको उस पे अभी आपको उसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है मतलब आपको उसको अभी वीडियो में कन्वर्ट करना है। एडिटिंग पूरी हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे पूरे नीचे ये जो आपका विंडो है पूरा डाविंची रिजॉल्व का, आपको नीचे राइट साइड में नीचे सबसे नीचे मीडिया कट एडिटिंग फ्यूजन कलर फेयर लाइट ये सब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको डिलीवर में जाना है। डिलीवर में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर कस्टम करके दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल नेम दिखाई देगी, तो आप उस पर अपना हाउ टू एक्सपोर्ट इन डाविंची रिजॉल्व, ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है। ये मैंने पहले से डिफॉल्ट में डेस्कटॉप करके रखा, अगर आपको कहीं और सेव करना है तो यहाँ पे राइट साइड में ब्राउज करके दिखाई देगा, यहाँ पे आपको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपको फॉर्मेट जो है चेंज करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। MP4 मैंने किया है। कोडेक जो भी है आपका है वो आप उसको सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन यहाँ पे आप अपनी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको अगर मेरे को HD करना है तो मैं HD कर सकती हूँ। इसके बाद जो है ये यहाँ पे आप उसको ऐड टू रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई सब टाइटल्स हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं एक्सपोर्ट सब टाइटल्स में जाके। तो मैं उस पर अभी गई नहीं हूँ मैं, तो मैं आपको सिर्फ नॉर्मल वीडियो कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ऐड टू रेंडर करेंगे तो आपको यहाँ पे ये नीचे दिखाई देगा, राइट साइड में यहाँ पे ये आ जाएगा Job 3 करके। पहले के मेरे दो थे, ये तीसरा मैंने आपको बता रही हूँ, तो ये आपका थर्ड वर्जन है। मतलब अगर जितने भी वर्जन आपके होंगे वो एक दो तीन करके यहाँ पे दिखाई देंगे। मेरे पहले के दो फेल हो चुके हैं, एक मैंने कंप्लीट कर चुका है, तीसरी बार मैं इसको एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो इसी के नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टार्ट रेंडर, आपको इसको स्टार्ट रेंडर पर क्लिक करना है, तो आपको दिखाई देगा प्रोग्रेस जो आपका है ये शुरू हो चुका है, और ये यहाँ पे कंप्लीट जो जो भी है प्रोसेस आपको दिखाई देगा। तो ये आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंड में कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कंप्लीटेड हो चुका है, तो इसका मतलब आपका वीडियो जो है वो रेंडर हो चुका है। आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो आपको राइट साइड में हाउ टू एक्सपोर्ट इन डाविंची रिजोल्व दिखाई देगा। आप इसके पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये हेलो आपका फ्रेंड्स, तो आज मैं आप वीडियो खुल चुका है, ठीक है।